प्रॉफेट यूबर्ट एंजल जी हमको सिखा रहे द रिटर्न ऑफ द नेफिलिम पार्ट थ्री, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखेंगे बाशान अब कहाँ पर है। पिछले रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं कि मैंने बाशान के बारे में आपको बताया कि बाशान का राजा ओग, ये सब बातें हमने पिछले रिकॉर्डिंग में बातें की है, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे बाशान कौन सी जगह में, अगर देखा जाएगा तो मैप के ऊपर, ठीक है, नक्शा के ऊपर आप देखेंगे तो उसके अंदर जो टर्की है, टर्की सीरिया, ये जो जगह है वहाँ पर बाशान है, ठीक है। ये जगहों में आपको बाशान मिलेगा। अगर टर्की को देखेंगे तो उसकी जो सीमा है वो 599 किलोमीटर्स, 599 किलोमीटर्स के सीमा जो इराक के साथ बनती है, वहाँ पर टर्की है। तो उस सीमा के ऊपर आप देखेंगे ईरान की वो 599 किलोमीटर्स तक की जो सीमा है, उस ईरान की सीमा को अगर देखेंगे तो उस ईरान की सीमा के ऊपर पहले एक सीरिया आ जाता है, और सीरिया का जगह ख़त्म होने के बाद में टर्की का जगह आ जाता है वो ईरान के सीमा के ऊपर, और वहीं पर फिर ग्रीस भी है और वहाँ से आगे और भी दूसरी जगह भी है। तो बाशान का निश्चित जगह जो है वो सीरिया और टर्की, ये दोनों जगहों के बीच में है बाशान। अब देखिए शैतान का सिंहासन बताया गया है पर्गमोस की कलेसियाओं को, आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य के 2:13 में हम जाएंगे, प्रकाशित वाक्य के 2:13 देखेंगे। मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। अब शैतान रहता है उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, बताया गया है। यहाँ पे मेंशन किया गया जगह का नाम कैसा है, देखिए, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया। कौन से स्थान पर घात किया गया आपको वो ध्यान देना है, तो वो स्थान आपको पता चलेगा उसके बारे में ये प्रकाशित वाक्य बताता है जहाँ शैतान रहता है। अब यहाँ पे शैतान का सिंहासन एक जगह का बात बता रहा है, मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, ठीक है। कहाँ पर रह रहा है वो, तो मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है, ठीक है। तो यहां पे आपको 12 मालूम पड़ना चाहिए, पिरगमोस की कलसिया के दूत को यह लिखा, ठीक है। तो पिरगमोस ये स्थान जो है, इस कलसिया का दूत जो है उसके बारे में ये लिखा है, तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए पिरगमोस ये जगह कहाँ पर है। तो इसका मतलब ये जो शैतान का सिंहासन है ये पिरगमोस के जो कलसिया है उसके स्वर्गदूत को बताया जा रहा था, ठीक है। पिरगमोस के कलसिया के स्वर्गदूत को ये बताया जा रहा था तो वहाँ पर है जहाँ पर शैतान का सिंहासन है, ठीक है। तो ये बात आपको ये पिरगमोस जो है वो एरिया आपको मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी कहते हैं जो सीरिया और टर्की है इसके बीच में आपको मिलेगा ये पिरगमोस, यानी ये वही जगह है जहाँ पर शैतान का सिंहासन लगा हुआ है। तो आपको देखने के लिए जाएंगे तो वो यही जगह है जो टर्की में ही शैतान का सिंहासन लगा हुआ है। देखिए शैतान का सिंहासन टर्की के अंदर है और शैतान का प्रभाव पूरी दुनिया भर में है, आपको समझ में आया। तो शैतान का जो सिंहासन है वहाँ और
उसके प्रभाव जो दुनिया भर में, दोनों में फ़र्क है। और फिर ये भी फ़र्क है कि अगर शैतान का सिंहासन टर्की बताया जा रहा है, परगमोस ये टर्की में है, तो अगर शैतान का सिंहासन टर्की में बताया जा रहा है तो शैतान रहता कहाँ है? फिर वो भी एक अलग जगह है, तो उसको समझना है आपको। शैतान जो प्रभाव डाल रहा है वो अलग है, शैतान का सिंहासन जो है वो एक जगह में है और शैतान रहता है वो अलग जगह है। तीन अलग अलग बातें आपको समझ में आना चाहिए। जब यीशु मसीह आएगा तब वह यरूशलेम में उतरने वाला है, लेकिन वो सारी पृथ्वी भर में उसकी उपस्थिति को देगा, क्योंकि वो आया है कैसे मालूम पड़ेगा? उसकी उपस्थिति से मालूम पड़ेगा, है ना? तो वो आएगा कहाँ पर? यरूशलेम में, लेकिन उसके उपस्थिति के कारण हमको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह आ गया है। यहाँ 13 वचन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंतिपास के बारे में बताया है, जहाँ पर अंतिपास को घात किया गया था वहाँ शैतान रहता है। रहता है ये अलग बात है, रहता इसका अर्थ इंग्लिश में ड्वेल, ड्वेलिंग प्लेस ऐसा है, ओके, जहाँ पर शैतान ड्वेल कर रहा है। ड्वेल यानी रहता, यानी कि परमानेंट जगह, कायम उसकी जो रहने की जगह है उसके बारे में वहाँ पर बोला गया है। तो आप देखते हैं कि भजन संहिता में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह 22 अध्याय में 16 वचन में क्या बोल रहा था, भजन संहिता के 22:16 में, कि जो कुत्तों ने उसको घेरा हुआ है, बाशान के कुत्तों ने उसको घेरा हुआ है, बाशान ने उसको, बाशान के, देखिए वहाँ पर लिखा था बाशान के बलवान सांडों ने उसको घेरा हुआ है, बाशान के बलवान सांडों ने उसको घेरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? वो बाशान जो है वो प्रकाशित वाक्य के अंदर का जो जगह शैतान रह रहा है, शैतान जहाँ रह रहा है, जो बाशान जगह वही है। आपको समझ में आना है कि ये कहाँ से मालूम पड़ता है? यीशु मसीह के उस भविष्यवाणी के पुस्तक में से, जो भजन संहिता में हमने देखा, जो 22 अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह का वर्णन दाऊद कर रहा है, वो कह रहा है कि बाशान के सांड ने मुझे घेरा हुआ है, ठीक है, बाशान के सांड ने, यीशु मसीह बोल रहे हैं बाशान के सांड ने मुझे घेरा हुआ है। तो आपको ये घेरा हुआ जो जगह ज़मीन है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये बाशान जो है, ये बाशान वो जगह है जहाँ पर शैतान रह रहा है, और बाशान ये वही जगह है जहाँ पर शैतान का मुख्य जगह है, यानी वो उसका बहुत हेड क्वार्टर बोल सकते हैं उसको। अगर आप एक मैप को देखेंगे तो उस मैप में आपको दिखाई देगा कि जो लोअर इजिप्ट, अपर इजिप्ट, फिनिका, ओके, असीरिया, मेसोपोटामिया, एलाम, ठीक है, ये जो जगह आप देखेंगे तो ये जगह जो है ये बाशान का एरिया है, यानी कि ये एक्चुअली, ये देखा जाएगा तो ये गार्डन है एक प्रकार का, ठीक है, ये इस प्रकार से है कि वो अदन बगीचा ही समझ जाइए, वो इस प्रकार का सुंदर ऐसा ज़मीन है। इस समय अभी वो अलग अलग टुकड़ों में दिखाई देगा, लेकिन वो एक ऐसा ज़मीन है जिसके ऊपर एक बहुत सुंदर प्रकार का प्राणियों का, पशुओं का, पक्षियों का, और रहने का एक अच्छा जगह है, वो एक सुंदर सा बगीचा है, जो अदन बगीचा को आप समझ सकते हैं कि ये वहीं पर था। परमेश्वर ने आदम और हवा की शुरुआत भी की थी, वो अदन बगीचे से की थी, और यीशु मसीह को क्रूस पर मरना था, वो उसने गतसमनी बगीचे में से। तो शैतान वही देखता है कि अगर यीशु मसीह को, अगर शैतान को उस बगीचे में से बाहर निकाल दिया गया था, तो उसी बगीचे के अंदर अब वो ये चाहता है कि उस यीशु मसीह को मारे। वो वही देखता है कि जहाँ पर उसको बेइज्जती की गई थी, वहीं पर यीशु मसीह की भी बेइज्जती की जाए। इसके लिए शैतान, देखिए, कोई भी आपके आत्मिक हरियाली से कभी खुश नहीं होता है, उसके आत्मिक आनंद जो भी मसीह के अंदर है, लोगों के अंदर है, वो कभी भी खुश नहीं होता है उससे, वो हमेशा उसके बदले में उनको दुख देता है। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये दुनिया के अंदर हो क्या रहा है,
और क्यों हो रहा है, उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये सब कुछ के पीछे नपीली जाति जो है, दानव जाति है, इनका हाथ है इन सब के पीछे। और उनका यही कारण है कि वो सब कुछ जो जगत के अंदर है वो सब कुछ अपने नियंत्रण में करके रखना चाहते हैं। अगर आप पूरे इतिहास में देखेंगे तो वो दानव जातियों ने किया क्या, ऐसा करके विरोध कर करके किया क्या, वो सिर्फ रोकना चाहते हैं। उन्होंने पीढ़ियों को रोकने की कोशिश की, उन्होंने प्राणियों को रोकने की कोशिश की, उन्होंने उन्नति को रोकने की कोशिश की, उन्होंने सफलताओं को रोकने की कोशिश की। आज मसीहों के साथ क्या होता है, शैतान वही करता है, उनको रोकने की कोशिश करता है। उनके कोई भी चीज़ वो जो आत्मिक में उनके लिए अच्छी है वो सब बिगाड़ने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने मूसा को कुछ जगह में ऐसा बोला था, जाकर ये सारे लोगों को ख़त्म कर दे। वहाँ पर परमेश्वर ने एक विशेष प्रकार के जाति का नाम भी बोला था मूसा को, कि रपाइयों को भी ख़त्म करना है। मूसा को अलग अलग जातियों को भी ख़त्म करने के लिए बोला था, और उन जातियों के साथ साथ परमेश्वर ने विशेष करके रपाइयों का नाम लेकर भी बोला था, रपाइयों को भी ख़त्म करना है। रपाइम जो है इसका मतलब बनता है इंग्लिश में रेफाइम। रेफ मतलब क्या है कि मृत्यु, और आयम मतलब चलता हुआ, यानी चलती हुई मृत्यु। ठीक है, तो रपाइम का मतलब क्या बनता है, चलती हुई मृत्यु। तो आप समझिए, दानव जाति जो है वो चलता हुआ मृत्यु जाति के नाम से उनको पहचाना जा रहा है, यानी रेफाइम। रेफाइम का मतलब क्या है, रेफ यानी क्या है वो मृत्यु, और आइम मतलब चलता हुआ। चलता हुआ मृत्यु इसका अर्थ बनता है रेफाइम का, ठीक है, हिंदी में रपाइम। तो इसका मतलब वो पहले से ही मृत्यु है और चल रहा है, तो उसको जीवन का तो सवाल ही नहीं आता है, और पुनरुत्थान का जीवन तो उसके लिए सवाल उठता ही नहीं है, उसके बाद तो वो होता ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो नाश करने के लिए रखा गया है। समझ में आया, प्रकाशित वाक्य में देखा है कि सबसे आखिरी में जो नाश किया जाएगा, जो शत्रु नाश किया जाएगा, वो शत्रु कौन है, मृत्यु। सबसे आखिरी में मृत्यु को नाश कर दिया जाएगा। तो ये चलता फिरता मृत्यु, ठीक है, रफाइम जाति मतलब चलती फिरती मृत्यु है वो, ठीक है, तो उनका तो नाश करने के लिए रखा गया है, तो उनको आपका सुसमाचार काम नहीं करेगा उनके लिए, वो नाश करने के लिए ठहराए गए हैं। तो आपको अब समझ में आ चुका है कि पलिश्ती जो गोलियात था वो दाऊद को ललकार रहा था, इसराइलियों को ललकार रहा था, तो आप सोचेंगे कि गोलियात को तो बचा लेना चाहिए था, ठीक है, उनको तो माफ़ी का कुछ सुसमाचार दे देना चाहिए था, उनको नया जन्म मिल जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है, गोलियात ये दानव जाति में से था, और आज के समय में भी दानव जाति मनुष्यों के बीच में चलते फिर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग कभी भी आपके सुसमाचार से झुकाए नहीं जाएंगे, आपको समझ लेना है इस बात को, ठीक है। जो सुसमाचार से झुकाए जाते हैं वो मनुष्य जाति है, लेकिन जो दानव जाति है उन वो चलती फिरती मृत्यु है वो, ओके, चलता फिरता मृत्यु। तो मृत्यु के लिए तो नाश रखा गया है, परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में बोला है जो आखिरी में नाश किया जाएगा वो है मृत्यु। तो मृत्यु को नाश के लिए ठहराया गया है, वो आपके सुसमाचार को सुनने के लिए रखा नहीं गया है उसको। अब आप देखोगे कि ये निम्रोद भी मेंशन किया गया है पवित्र बाइबल में, और वो एक बहुत ही बलवान ऐसा शिकार करने वाला इंसान कहा गया था, और उसके बाद कोश भी था वहाँ पर, और उसके बारे में भी लिखा गया है, निम्रोद के बाद उसके बारे में भी चर्चा वहाँ पर होती है। तो ये कोश के बारे में हम समझ सकते हैं कि वो नेफिलिम के साथ भी जुड़ा होगा, और दूसरे जो लोग हैं वो लोगों के बीच में भी उसने अपने व्यवहार को जोड़ लिया होगा, जिसके कारण वो निम्रोद जैसे एक शूरवीर को तैयार करके वो एक बहुत ही बलवान ऐसा शिकार करने वाला बन गया था। और इसी से हम समझ सकते हैं कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया था, और उसी कारण से निम्रोद का जन्म हुआ होगा, क्योंकि ये ऐसा निम्रोद था जो बलवान भी था, शूरवीर भी था, और बहुत ही शक्तिशाली ऐसा शिकारी था। और ये सब कैरेक्टर बताते हैं कि ये मनुष्य जाति का नहीं रहेगा, क्योंकि ये दानव जातियों का कैरेक्टर है। तो कोश के बारे में ये समझ जाता है कि वो कहीं ना कहीं तो नेफिलियम के साथ और रपाइम नेफिलिम ऐसे जातियों के साथ कहीं ना कहीं तो उसके कुछ ना कुछ ऐसी पीढ़ी जोड़ गई है जिसके अंदर से ये निम्रोद पैदा हो गया है। उत्पत्ति के 10 अध्याय में 9 वचन देखेंगे हम। उत्पत्ति का 10 अध्याय 9 वचन, वह यहोवा की 8 वचन से देखिए,
कोश के वंश में निम्रोद भी हुआ। ठीक है, तो उसका वंश कौन सा, किसके वंश में से आया, वो कोश के वंश से आया निम्रोद। ठीक है, और देखिए उसके कैरेक्टर के बारे में, उसका रचना कैसा था, देखिए पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। ठीक है, वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी और शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे वह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। अब आगे देखिए, उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेख, अकद और कलने से हुआ। उस देश में से वह निकलकर अशुर को गया और निनवे, राहबोत और कालह का, और ऐसे देखिए ये सारे नाम जो बता रहे हैं, ये कोश का वंश निम्रोद जो है वो इस प्रकार से कहीं ना कहीं नेफिलिम के साथ जुड़े हुए वंश में से ही निकला हुआ एक इंसान है। देखिए यहूदियों के इतिहास में जाकर देखेंगे तो आपको उसमें से ये प्रूफ मिल जाता है कि ये निम्रोद जो था वो नेफिलिम की जाति में से जुड़ा हुआ था, नेफिलिम की जातियों में से ही एक जन था। अगर आप उत्पत्ति के 8 अध्याय में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो नूह था वो जहाज़ पृथ्वी के ऊपर, नूह का जहाज़ रुक गया था। ठीक है, मतलब वो ज़मीन पर आ गया था, पानी सूख रहा था। ठीक है, और उत्पत्ति के 9 अध्याय में आप देखेंगे तो वहाँ नूह के साथ परमेश्वर उसके बलिदान के बारे में बात करता है और उसको बताता है कि आगे उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब 10वें अध्याय में तुरंत आपको निम्रोद के बारे में, ये निम्रोद जो है वो 10 अध्याय में ही आपको मालूम पड़ता है, यानी कि नूह का समय शुरू हो चुका था 10 अध्याय में, उसके वंश शुरू हो गए थे, उसके बेटों का वंश हम पढ़ते हैं 10 अध्याय में, और उसी के अंदर आप देखिए निम्रोद का जन्म हो गया। और 11 अध्याय में देखेंगे तुरंत वहाँ बाबेल का टावर बनने का इरादा शुरू हो गया था। तो ये क्या दिखाता है आपको, निम्रोद जो था वो नफिलीम में था और उस नफिलों में से ही, नफिलीम जाति में से, दानव जाति में से था, उसके दिमाग के ही बातें वो बाबेल टावर की थी। ठीक है, वो बाबेल का टावर जो था वहाँ पर एक विशेष ऐसा आपको देखने को मिलेगा 11 अध्याय के पहले वचन में, उत्पत्ति के 11 अध्याय के पहले वचन में। देखिए ये नफिलिम के बारे में आपको बहुत गहरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, और तुरंत ये बाबेल का टावर का उन्होंने रचना किया क्योंकि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी। तो नफिलिम जो थे, दानव जाति जो थे वो, अब देखिए 10 अध्याय में आपको पता है नूह का वंश शुरू हो चुका था, उसके अंदर से ही निम्रोद ने जन्म लिया था। ठीक है, तो हम इसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते हैं कि नूह के जन्म, नूह के बच्चों के द्वारा जो वंश आया है उन वंश के अंदर ये निम्रोद था, तो निम्रोद नफिली नहीं है, ऐसा हम डाउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बता रहा है, यानी उसके शरीर का रचना बताता है, उसके कैरेक्टर बता रहा है कि ये नफिलिमी है। ठीक है, अब ये नफिलिमी के बारे में ये अकल की बात है कि सिर्फ नफिलिमी ही जानते थे, सिर्फ ये दानव ही जानते थे आइडियाज़ को, टेक्निक को यूज़ करना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ये सिर्फ जो दानव जाति के ही पास था, मनुष्य जाति के पास नहीं था ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है 11 अध्याय के पहले वचन में कि सब लोग एक भाषा के थे और वो एक बोली के, एक भाषा के थे, इस तरह से उसके बारे में वर्णन किया गया। तो वो नफिली में ही थे क्या सब लोग, समझ में आया? क्या वो सारे दानव जाति ही थे, कैसे समझे इस बात? नहीं, वो सारे दानव जाति नहीं थे, लेकिन देखिए यहाँ प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी बोलते हैं आपको समझा दिया है कि आप मनुष्य और दानव को अलग करके जान नहीं सकते हैं, फ़र्क करके नहीं देख सकते, इतनी ज़्यादा उनके अंदर और मनुष्य जाति के अंदर समानता दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन निम्रोद का शरीर रचना बताता है कि ये जो इंसान है ये कहीं ना कहीं तो दानव जाति के अंदर से ही होकर आया हुआ है।
ठीक है। इसकी वजह से उसके अकल से उस जगह में 11 अध्याय में आप देखते हैं कि भले ही वो जो मानव जाति है नूह के बच्चे हैं उनके अंदर से जन्म लिया है, तो भी वहाँ पे आपको ये पता चलता है ये अकल बाबल टावर बनाने की निमरोद जैसे दानव जो वहाँ पर मौजूद थे उन्हीं के द्वारा आई होगी। यहाँ पे और कोई मनुष्य जाति ऐसे बाबेल टावर की बातें सोच नहीं सकता था, यानी दानव जाति के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे जिसके अंदर से निमरोद के बारे में बता दिया। इसका मतलब सिर्फ निमरोद ही था ऐसा नहीं है, और भी दानव जाति थे, लेकिन निमरोद की कुछ खास बात यहाँ पर मेंशन की गई कि वो बहुत ही ज़्यादा शूरवीर था, हंटर था वो, बहुत एक्सपर्ट हंटर था वो। तो सवाल ये उठता है निमरोद कैसा पैदा हो गया इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि ना नूह वैसा था ना नूह के बच्चे वैसे थे, लेकिन पीढ़ी आगे जाते समय जब कोश का समय आया तब कोश के द्वारा निमरोद जैसा बच्चा कैसे क्या पैदा होगा जब वैसा बीज है ही नहीं नूह के पास, तो ये बच्चा कैसा इस प्रकार से तैयार हुआ। ये हमको साबित करता है कि ये नपीली जाति का है, यानी ये दानव जाति का है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये दानव जाति है, ये एक बच्चे के बारे में निमरोद के बारे में लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी तो कितने सारे और भी दानव के बच्चे होंगे। लेकिन आपको सोचने की बात ये है यहाँ पे कि ये जो निमरोद तैयार हुआ है तो ये दानव जाति तैयार इस बाढ़ के बाद आई है, तो ये बाढ़ के पहले भी थी और बाढ़ के बाद भी हो है ऐसा वचन में 6 अध्याय के 4 वचन में आपको पढ़ने को मिला है कि नूह के समय के पहले भी थी और नूह के समय के पश्चात भी वहाँ पर थी, यानी बाढ़ के पहले भी थी और बाढ़ के बाद भी वहाँ पर थी। ये 4 वचन में 6 अध्याय के 4 वचन में आपने देखा है, ठीक है। अब 11 अध्याय का जो पहले वचन से हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको पढ़ने को मिलता है किस प्रकार से उनके बारे में कुछ जगहों के नाम बताए गए हैं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा एक ही बोली थी, उस समय लोग कुछ लोगों ने कुछ की और पूर्व उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान, ये नाम देखिए आप, शिनार देश के एक मैदान पाकर उसमें बस गए, ठीक है। शिनार देश के एक मैदान को पाकर उसमें बस गए, और आगे लिखा है तब वे आपस में कहने लगे। अब ये लोग जो एक बोली एक भाषा के लोग थे, ठीक है, उन्होंने पूर्व की ओर चलना शुरू कर दिया। पूर्व की ओर चलते समय शिनार देश के एक मैदान लगा उनको और वहाँ पर वो रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने ये प्लान किया कि हम आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति उस आग में पकाए। और ये देखिए इस प्रकार के आइडिया ये लोगों के बीच में आ गई थी, ये टेक्नोलॉजी है उनके पास, ये टेक्नोलॉजी कैसे आ गई कि ईंटें पकाए, वो ईंटें को पका के उसको इमारत के हिसाब से उनको पका कर उनको जोड़ कर वो दीवार बना कर ऊंची करके वो इमारत के हिसाब से बनाने की सोच रहे। वो इमारत सिर्फ नहीं बना रहे, वो शहर भी बना रहे। ये सारी टेक्नोलॉजी ये तकनीक ये दानव जाति अपने सुविधा के अनुसार ये सब कर रहे थे। आपको समझ में आया? तो निमरोद था उस समय की बात है ये, ठीक है। तो निमरोद था उस समय के बात वक्त में दानव जाति उस समय के लोगों के बीच में रह रही थी और उनकी बोली और भाषा एक समान थी, फर्क कुछ भी नहीं था उनमें, लेकिन सिर्फ शरीर की रचना के कारण निमरोद पहचाना जा रहा था और वो कुछ खास मकसद से पहचाना गया था। एक विशेष रूप से वो बहुत अच्छा हंटर था, इसके लिए उसके बारे में विशेष बोला, लेकिन बाकी जो दानव जाति थी उसके बारे में इतना खास कुछ बोला नहीं। इसका मतलब वो नहीं थी, ऐसे नहीं है, लेकिन वो जहाँ एक जगह पे बस्ती कर लिए उसके बाद उनके आपस में बातें हो गई कि ये प्रकार से हम एक इमारत बांधना शुरू करेंगे।
ईंटों को पका के घर बनाना हमने कौन से सेंचुरी में सीखना शुरू किया, लेकिन यहाँ देखिए अभी तक तो बाढ़ से ही बाहर आए हैं ये लोग, ठीक है। अभी तक उनको जगह ही सिर्फ मिली है और इन्होंने यहाँ पे बस गए और ये प्लान शुरू कर दिया। ये टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी मनुष्य के अंदर कहाँ से आ सकती है, ठीक है। निमरोड जैसा इंसान बाढ़ के बाद कैसे पहुँच गया वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने सिर्फ वो शहर बनाने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर उनके बहुत खास तरीके की रचना की बात कर रहे। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। इंग्लिश में इसको लिखा है टावर। टावर तो आजकल की दुनिया में हम देख रहे हैं, गुम्मट आजकल की दुनिया में हम देख रहे हैं। तो ये अभी तक बाढ़ ख़त्म होके ही है तो ये गुम्मट बनाना शुरू हो गया, टावर बनाना शुरू हो गया। और आज के युग में आप बोल रहे हैं कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, एडवांस नहीं है ये, ये शैतान स्वर्गदूत जो है उसके द्वारा मनुष्य के अंदर ये वो आइडियाज़ डाल रहा है और वो अपनी सुविधा के लिए, दानव जाति के सुविधा की रचना के हिसाब से वो इस प्रकार के प्लान्स करके पृथ्वी के ऊपर रहने का व्यवस्था करता जा रहा है, वो करता आ रहा है, करता जाएगा और मसीह विरोधी का समय तक वो करता रहेगा। उसके बाद वो उसमें रहने की अवस्था में, उसका सारा व्यवस्था में वो आगे जाता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। आपको समझ में आया? तो कुछ एडवांस विडवांस कुछ भी नहीं है, दिमाग के ऊपर से वो सारा निकाल दीजिए भ्रम कि ये कुछ तो खास है, ये कुछ तो ऐसा है, कुछ नहीं है। ये लूसिफर अपने दानव जाति के लिए ये सब कुछ कर रहा है। आपको यहाँ पे उनकी अक्ल देखिए कैसी थी। वो कह रहे थे कि अपने लिए वो तो नगर में रहने वाले थे, लेकिन उनको एक ज़रूरत है गुम्मट की, तो नगर भी बनाएंगे और गुम्मट भी बनाएंगे। दिमाग देखिए उनका। और बाढ़ के बिल्कुल बाद में ही तुरंत ये सब कुछ करने की तैयारी हो रही है उनकी। और मकसद क्या था उस गुम्मट का बनाने का, उसकी ऊंचाई का मकसद क्या था? आप मकसद को देखिए, उनका क्या मकसद था। मनुष्य को स्वर्ग को छूने वाले गुम्मट बनाने की क्या ज़रूरत है, मनुष्य को उसके साथ क्या रिश्ता है, समझ में आया? तो आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा अभी वो क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार का गुम्मट होना चाहिए वो, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, यानी आकाश से बातें करे। आपने देखा यीशु मसीह ने क्या बोला था, क्रूस के ऊपर जब उसको चढ़ाया जाएगा तो उसके मांस निकल जाएंगे और हड्डियां उसके साथ उसको निहारेगी, यानी उसको देखेगी, हड्डियां उसको देखेगी, यीशु मसीह हड्डी को देखेगा। यानी इस प्रकार का जो इवेंट्स यीशु मसीह ने बोला था, ये इवेंट्स के हिसाब से उसका सब कुछ मृत्यु होने वाला है क्रूस के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपको इवेंट बताता है कि उनको आकाश से बातें करने वाली चोटी इस पृथ्वी के ऊपर से चाहिए। आकाश से बातें करना है उस उनको, तो आपको सोचने की बात है कि आकाश और उनका क्या रिश्ता है, समझ में आया? कुछ तो खास है यहाँ पर। जैसे आपको ये बात मालूम पड़ेगी आपको समझ में आएगा कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो टावर्स वगैरह आज हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में सच्चाई में शैतान कर क्या रहा है। स्वर्ग अगर आकाश हम देखेंगे, स्वर्ग अगर देखेंगे तो ये एक आत्मिक जगह है, हम समझ सकते हैं वो आत्मा का ठिकाना है, यानी स्वर्ग यानी स्वर्गदूतों का ठिकाना है वो, हम उसे समझ सकते हैं। बस वो टावर यानी गुम्मट बना के आकाश को छूने वाली चोटी उसकी इतनी ऊंचाई बना के बस नहीं था, उसके बाद उनको और भी कुछ प्राप्त करना था, आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। तो आपको पता है ये जो दानव जाति थी उसके बारे में उत्पत्ति के 6 अध्याय के आपने देखा है 5 वचन में, 6 वचन में आप देख सकते हैं उसमें क्या लिखा है, 4-5 वचन में कि वो ऐसी जाति थी जो शूरवीर थे, बलवान थे और प्रचलित थे, फेमस जाति थी। तो ये देखिए इनकी टेक्नोलॉजी के बाद ये क्या बोल रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी के बाद उनका नाम रोशन होने वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। चलो हम अपना नाम करें। आपको समझ में आया ये दानव जाति का कैरेक्टर था।
यानी कि वो अपनी पहचान का एक वहाँ पर स्थान बनाना चाहते थे, एक मुकाम उनका होना चाहिए, ऐसा नाम उनका होना चाहिए, उस जगह को उनके कारण पहचाना जाना चाहिए, ऐसा प्रचलित करने के लिए वो इस प्रकार के टावर बनाने जा रहे थे और नगर बना रहे थे। देखिए उनका डर क्या था कि वो अपने नाम को खोना नहीं चाहते थे, ठीक है, यानी उनकी अवस्था की पहचान को वो खोना नहीं चाहते थे, ठीक है, ये एक उनका मकसद था। दूसरा मकसद ये था, उनको आकाश से बातें करने वाली गुम्मट की ज़रूरत थी क्योंकि वो स्वर्गदूत थे, ठीक है, यानी स्वर्गदूत की जाति थी वो लोग, दानव जाति थी, ठीक है, यानी उनका रिश्ता है स्वर्ग के साथ, तो वो आकाश के साथ उनका उनका घराना है वो, ठीक है, उनका ज़मीन है वो आकाश, ठीक है, तो उसके साथ उनको टच में रहना है, और दूसरा उनको पृथ्वी के ऊपर रहना है तो उसके लिए एक शहर की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो शहर भी बना रहे थे, गुम्मट भी बना रहे थे जिसकी चोटी आकाश से बातें करे और वो अपनी तकनीक को इस्तेमाल करके अपने नाम को लोगों के बीच में जाहिर करना चाहते थे कि ये जगह जनजाति जो है दानव जाति है और इस जाति के बीच में यही होता है और ये जाति इस प्रकार से पहचानी जाती है, तो नामचीन होकर वो लोगों के ऊपर अपने नाम को बनाए रखना चाहते थे, ठीक है। और देखिए उसका उनका डर क्या था, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े, यानी कि वो इस बात से डर रहे थे कि उनके उनके टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं, यानी उन कहीं उनको यहाँ से निकालकर दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, ऐसे करके उनको बिखरा दिया ना जाए, ये उनका डर था। देखिए आपको उत्पत्ति के 6 अध्याय में भी पता चलता है, 5 वचन में परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर पछताया और उसने फैसला किया कि मनुष्य के मन के सोच निरंतर बुरे है, तो उसने फैसला किया कि उसके सामने सवाल है पृथ्वी को नाश करने का और सारे प्राणियों को नाश करने का, उसके सामने सवाल रहा था। उसने नूह को बता दिया और नाश करने के लिए योजना बना दी और नाश कर दिया। अब ये दानव जाति दोबारा उसके लिए परेशानी लाकर खड़े कर दिए। अब वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर उठाकर कोई ऐसी चीज़ कर रहे थे जो दोबारा कुछ तो ऐसा था जो परमेश्वर नहीं चाहता था। बाढ़ के वक्त भी परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस प्रकार के मनुष्य के चाल चलन बने रहे, प्राणियों के चाल चलन बने रहे। इसके लिए मनुष्यों को उसने मार डाला, प्राणियों को उसने मार डाला, दानव तो वैसे ही जीते हुए आए, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया आगे जाकर आपको मालूम है ये दानव जाति दोबारा ऐसा कुछ करने लगे थे जहाँ पर एक और सवाल आ गया, अब मनुष्यों को कैसे मारेंगे, है ना। परमेश्वर मनुष्यों को मारना नहीं चाहता था, मनुष्यों को उस काम को, उस योजना के तकनीक के अंदर उसने बनने नहीं दिया और उसको उनको वहाँ से पूरा कंफ्यूज कर दिया, उनकी भाषा बोली को एक दूसरे से मिसमैचिंग कर दी, वो एक दूसरे की भाषा बोली समझना भूल गए और गड़बड़ी में फंस गए। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो दानव जाति थी उनका इरादा परमेश्वर ने फेल करने के लिए 5 वचन में देखो क्या लिखा है, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, ठीक है, और क्या 6 वचन में देखे, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अन होना न होगा। तो ये दानव जाति अब जो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे वो अन होना नहीं होगा, परमेश्वर ने उस बात के कारण वहाँ की भाषा बोली को इस प्रकार से बना दिया कि जब एक छोटा बच्चा बात करता है तो हम लोग पूछते हैं कि ये क्या बड़बड़ा रहा है, तो ये बड़बड़ाना जो है ये शब्द इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो जस्ट अपना बड़बड़ा रहा है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बैबलिंग कर रहा है वो, तो बैबलिंग क्या है, ये बाबिल का टावर का ही शब्द उन्होंने इंग्लिश में इस्तेमाल किया है,
ठीक है, तो हम भी बोलते हैं बड़बड़ाना, तो बड़बड़ाना ये क्या है, मतलब इसके अंदर कोई अर्थ नहीं है, बस बोल रहा है कुछ तो, लेकिन समझ के साथ नहीं बोल रहा है, जस्ट बोल रहा है कुछ तो, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, बाबिल, एक ओके। तो ये बाबिल का टावर का शब्द है, ये बाबलिंग हम बोलते हैं ना, बाबलिंग कर रहा है, मतलब ऐसे ही कुछ तो छोटे बच्चे बिना समझ के कुछ बोलते रहते हैं ऐसे ही, तो हम लोग बोलते हैं वो कुछ नहीं, ऐसे ही खेल रहा है, मजाक में कुछ बोल रहा है, बड़बड़ रहा है, तो ये बाबलिंग बोलते हैं। तो ये बाबिल का टावर का शब्द है ये। अब देखिए, परमेश्वर ने उनकी एक भाषा, एक बोली को क्या कर दिया, उनके अंदर के जुड़ाव थे, समझ थे, वो सारे एक दूसरे के साथ उसने ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए, अलग अलग कर दिए उनको। समझ में आया, यानी कि उनके पास जो बोलने का तरीका था, वो बोलने का तरीका का समझ उनके पास एक समान समझ थे, वो समझ को उस समय में वो अलग अलग कर दिया। अब वो बोली जाने वाले बड़बड़ाहट को समझ नहीं पा रहे थे। आपको समझ में आया, वो समझ के साथ परमेश्वर ने बर्ताव किया कि ये समझे ही नहीं, ये एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं। ओके, तो ये समझ का उनके अंदर सेपरेशन कर दिया, अंडरस्टैंडिंग उनका सेपरेट कर दिया, वो नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार से उनके हर एक भाषा को अलग अलग कर दिया, यानी हर एक इंसान कुछ तो बड़बड़ाता था और वो एक दूसरे के बड़बड़ाहट को समझ रहे थे। अब वो समझ बंद कर दिया, तो उनका बड़बड़ाना तो चालू है, लेकिन ये क्या बड़बड़ा रहा है, दूसरे नहीं समझ पा रहे थे, दूसरे क्या बड़बड़ा रहे हैं, पहले नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के उनके समझ को उन्होंने, परमेश्वर ने बंद कर दिया। तो उनके तरीके से जो वो गुम्मट बना रहे थे, इसका मतलब क्या है, वो स्वर्ग के अंदर घुसने का या स्वर्ग के अंदर से बाहर आने का वो ऐसा कुछ तो एक कॉन्टैक्ट पॉइंट बना रहे थे। तो उनके तरीके से वो ये देख रहे थे कि वो एक फाटक बन जाएगा जो स्वर्ग के अंदर जाने के लिए और स्वर्ग के बाहर आने के लिए, तो इस प्रकार से वो उस गुम्मट को बना रहे थे। तो ऊंचाई के ऊपर से वो आत्मा के जगत के अंदर से वो आकाश के अंदर जाना चाहते थे, और आकाश से बाहर उस टावर के ऊपर आने का वो रास्ता देख रहे थे, ठीक है। तो ये अंदर बाहर जो आत्मा से होता है, वो गेट वो उस टावर को बनाना चाह रहे थे कि वो टावर के द्वारा वो आसमान में जाए और आसमान से वो दोबारा टावर के ऊपर आए। तो अगर ये बात देखेंगे, आप देखेंगे, तो वो एक प्रकार का गाइड बनना चाहते थे, ठीक है, मतलब मार्गदर्शन करने वाला एक ऐसा जन इस पृथ्वी के ऊपर, वो ऐसा एक जन बनना चाहते थे जो स्वर्ग में जा भी सकते हैं और स्वर्ग से बाहर पृथ्वी के ऊपर आ भी सकते हैं, और मनुष्यों के लिए वो स्वर्ग के अंदर जाने आने का रास्ता भी बता सकते, इस प्रकार का वो बनना चाहते थे, इसके लिए वो उस टावर को बना रहे थे। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे इस लिखी हुई बातों को, तो यहाँ पे निम्रोद का वर्णन दिया गया है। तुरंत उसके बाद वो कुछ जगह चलते चलते आए और वहाँ उन्होंने ये फैसला कर लिया कि चलो हम इस प्रकार की कुछ चीज़ बनाए। अब देखिए उनके सारे प्लान क्या थे, ये प्लान था जो आपने अभी देखा कि वो नगर बनाना चाहते थे, गुम्मट बनाना चाहते थे, वो आकाश के साथ कॉन्टैक्ट पॉइंट में रहना चाहते थे। ये सारी चीज़ों को करने के बाद उनका कहना क्या था कि वो चाहते थे कि उनका नाम बना रहे, ठीक है, और दूसरी बात वो चाहते थे कि उनको पृथ्वी के ऊपर भटका दिया ना जाए, यानी टुकड़े टुकड़े में वो कहीं निकल ना जाए, ठीक है। तो इनका सारा मकसद को देखेंगे तो एक प्रकार से प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बता रहे हैं कि एक प्रकार से वो बाढ़ को याद करके इस गुम्मट और नगर का और नाम बनाए रखने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उत्पत्ति के 6 अध्याय में वही लिखा है उनके बारे में कि वो नामचीन लोग थे, बहुत ज़्यादा प्रचलित लोग थे, फेमस लोग थे, पॉपुलर लोग थे और शूरवीर थे। ओके, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा वो अपने शूरवीर के कलाकारी के द्वारा वो गुम्मट बनाकर अपने लिए बचने का रास्ता देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस बार देखा था बाढ़ कितने ऊंचाई तक पहुंच चुका था पानी, उस
पानी के नीचे से उनको निकलकर बाढ़ खत्म होने तक बच के रहना मुश्किल लगा था, उन्होंने सोचा कि इस ऊंचाई से और ऊंचाई जो टावर होगा वहाँ वो सुरक्षित रह सकते हैं अगर फिर से बाढ़ का कोई प्लान परमेश्वर ने किया तो, ठीक है। और दूसरी बात क्या थी, उनके नाम को वहाँ पर से हटाया नहीं जाएगा, वो पृथ्वी के ऊपर से मिटाया नहीं जाएगा, इसकी भी उनकी जानकारी को वहाँ पे बनाए रखना है, ठीक है। और तीसरी बात वो ये देख रहे थे कि उनको पृथ्वी के ऊपर अगर दोबारा बाढ़ भेजा परमेश्वर ने या ऐसा कुछ काम कर दिया परमेश्वर ने तो उनके अपने एक दानव जाति जो है, जैसे आप देखते हैं कि अगले आगे आगे के वचन में आप देखते हैं वो दानव नहीं रहे, उसके साथ साथ उनके नाम भी बताए गए कि वो नपीली थी, रपाइम थी, तेराफीम थी, ठीक है। तो इस प्रकार के अलग अलग नाम से उनका मतलब वो क्या हो गए, स्कैटर हो गए, अलग अलग नाम से जाने लगे। जैसा गोलियात को जानने के लिए हम देखते हैं कि वो अनाकवंशी कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्रकार के उनके टुकड़े ना हो जाए, तो वो कह रहे थे कि अपने नाम को और अपने आप को एक ही जगह में हमारे पहचान को बनाए रखने का हमारी जिम्मेदारी के हिसाब से हम वो तकनीक को इस्तेमाल करके टावर बनाएंगे, तकनीक के इस्तेमाल से नगर बनाएंगे और हम अपनी जाति जो है दानव जाति को सुरक्षित रखेंगे पृथ्वी के ऊपर, फिर परमेश्वर को जो करना है करने दीजिए लेकिन हम अपनी जाति को सुरक्षित रख पाएंगे। ये उनका दिमाग था बाबिल का टावर बनाने के वक्त। देखिए उनको बहुत अच्छे से मालूम है यीशु मसीह के जो दोबारा आगमन होने वाला है उसके बाद उनको नाश किया जाने वाला है, तब तक उनको पृथ्वी के ऊपर रुकना है। वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने की सारी सुविधाएं करते रहेंगे और करते रहेंगे। उनको वो समय तक निपटना है जब उनका नाश हो जाएगा, उस समय तक उनको निपटना है, पृथ्वी के बाहर या कहीं पर भी उनके लिए दूसरी जगह नहीं है। देखिए ये सब कुछ आप देखेंगे तो एक प्रकार से वो परमेश्वर को क्रोध दिलाने के लिए कर रहे थे, ठीक है। जो स्वर्गदूतों ने मनुष्य के पुत्री को लिया और उनके साथ विवाह कर लिया और दानव पुत्र को जन्म दिया, प्राणियों को भ्रष्ट कर दिया, ये सारा चीज़ जो है वो परमेश्वर को क्रोध दिलाने के लिए कर रहे थे। हमने उसके बारे में समझा है, देखा है, हमने उसके बारे में अभी सीखा भी है, कहाँ से हमको ये सब पता चला, ठीक है। लेकिन आप देखिए वो सारे कामों के बाद परमेश्वर ने उसको सब कुछ मिटा दिया, मनुष्यों के अंदर दानवों की कोई भी आदतें रहने नहीं दी, उसे मिटा दिया, मनुष्यों को, प्राणियों को, सब कुछ को मिटा दिया, ठीक है। दानव जाति जीवित रह गई अलग बात है, ठीक है, लेकिन मनुष्य के अंदर परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है, उसको ख़त्म कर देता है वो, ठीक है। दानव जाति के कोई भी गुण जब नहीं मानता है मनुष्य तो उसको ख़त्म किया जाता है, आपको साफ तरीके से मालूम पड़ना चाहिए मनुष्यों को ख़त्म किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बिगड़ी हुई चाल को बनाए नहीं रखना चाहता है। ये बहुत सत्य परिस्थिति है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ये बात, ठीक है। परमेश्वर दानवों को सिर्फ एक बार मारने वाला है और वो मनुष्यों के उठा लिए जाने के बाद में, मनुष्य के मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उठा लिए जाएंगे, उसके बाद में दानवों का समय रहेगा, वो समय के अंत में जाकर वो मार डाले जाएंगे, ठीक है, ख़त्म किए जाएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनको सताया जाएगा और मार डाला जाएगा, तो ये वो समय बाकी है, तो इसके लिए अभी वो मरने वाले नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनको नहीं मार रहा है, इसके लिए दानवों के साथ मनुष्यों को नहीं रखेगा, क्योंकि मनुष्य उनकी बिगड़ी हुई चाल चलन को लेकर अगर चलते रहेंगे, मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अपने चाल चलन को सुधारेंगे नहीं। देखिए क्या लिखा है, पश्चाताप करो, मतलब मन फिराओ, है ना, तो मन फिराओगे तभी कुछ हो सकता है ना। तो लेकिन जब वो दानव जाति के आत्मा से प्रभावित रहते हैं, दानव जाति के चाल चलन से प्रभावित रहते हैं, वो मानना नहीं चाहते हैं, हटीले रहते, क्योंकि दानव जाति हटीली है ना। यहूदा की पत्री में हमने पढ़ा कि वो किसी भी तरह से गैर फ्लैश जो रहते हैं, गैर शरीर जो रहते हैं, जो मनुष्य शरीर नहीं, ऐसे की वासना भी रखते हैं अंदर और उसके साथ वो कुछ गलत काम भी कर लेते हैं और जो मन चाहा वैसा उनका मन चाहे वैसे रास्ते वो जीते, बिगड़े हुए चाल चलन जीते और उनको ज़रा भी डर नहीं रहता है परमेश्वर का।
वो जो नहीं जानते उसके बारे में भी वो भला भला बुरा बोल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का चरित्र लेकर अगर इंसान बदल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको परमेश्वर के आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि वो बदलेगा ही नहीं, वो बदलेगा ही नहीं, उसके अंदर कुवत ही नहीं है बदलने की, वो दानव जातियों के प्रभाव के नीचे आ चुका है मनुष्य, ठीक है। अगर वो मानेगा नहीं तो मर जाएगा वो, समझ में आया। वैसा ही हमारे साथ हो सकता था, अगर हमको यीशु मसीह का बलिदान समझ में नहीं आता तो हम भी मर जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान हमको इसीलिए समझ में आया क्योंकि हमको परमेश्वर का आत्मा ने आकर समझाया। तो जो लोग नहीं समझ पाते हैं और दानव जाति के ही गुणों में बने रहना चाहते, इसका मतलब उनको परमेश्वर के आत्मा की ज़रूरत है। अगर परमेश्वर के आत्मा की ज़रूरत है और परमेश्वर का आत्मा आकर उनको बदल दिया है, बदल रहा है, उनको दया करके परमेश्वर बचा रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानेंगे और अगर समय बढ़ता जाएगा तो वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने कितनी बार पढ़ा है पत्रियों के अंदर, हम देखते हैं परमेश्वर ने खुल्लम खुल्ला बोला है कि मैं अपने क्रोध को धीमे रखा हूँ ताकि सब लोग नाश ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचा लिए जाए, मैं इसके लिए धीरज के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। यीशु मसीह न आने का कारण यही है कि वो धीरज के साथ इंतज़ार कर रहा है कि अभी भी लोग सवर जाए, समझ जाए, मेरे आत्मा की बात को समझे और वो पलट कर आ जाए, वो परमेश्वर के आत्मा के कारण यीशु मसीह के विश्वास करने वाले बन जाए और परमेश्वर उनको बचा ले, ठीक है, रैप्चर में उठा ले। ये कारण से यीशु मसीह को वो अभी तक आने नहीं दिया है, ठीक है। नहीं तो समय हो चुका है उसका आने का, तो वो अभी आकर हमको उठाकर लेकर जाना उसका अभी समय हो चुका है इसके लिए है, ठीक है। तो इस तरह से मनुष्य का चाल चलन अगर बिगड़ा हुआ है तो परमेश्वर उसको मार डालता है। ये बात दानवों को मालूम पड़ा, लूसीफर को मालूम पड़ा कि ये तो परमेश्वर प्राणियों के बीच में और मनुष्यों के बीच में दानवों के चाल चलन को रहने नहीं दे रहा है, वो उसके प्लान फेल कर रहा है, वो मार डालता है सीधा लोगों को, मार डालता है प्राणियों को, रखता ही नहीं है, ख़त्म कर देता है। तो अगर ऐसा ख़त्म करने का टाइम आ गया तो फिर हमको बचना है, परेशानी में नहीं पड़ना है, तो हम इस टावर में छुप जाएंगे और फिर ये टावर के अंदर, ये नगर के अंदर हमारा नाम बना रहेगा और हमें यहाँ से वो बाढ़ की तरह फिर से उखाड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो दानव के लिए प्रॉब्लम नहीं है, मनुष्यों के लिए प्रॉब्लम करता है परमेश्वर। अब शैतान ने देखा कि ये दानव जाति उत्पन्न करने के बाद मनुष्यों को इस प्रकार की जाति बनाने का मैंने तरीका सिखाया, अब मनुष्य तरीका सीख रहा है, तो परमेश्वर ने बाढ़ भेज दिया, उसमें वो मनुष्य मारे गए, तो मेरे तरीके सीखेंगे कौन, है ना। तो अब यहाँ पे उसका सवाल आ गया कि ये तो मेरा प्लान फेल कर देता है, मनुष्यों को मेरे रास्ते चलने ही नहीं देता है। तो उसने दूसरा एक प्लान अभी बाढ़ के बाद शुरू किया, वो है गर्भवती स्त्री के बारे में। देखिए, गर्भ धारण किए हुए बच्चे को देखिए प्रकाशित वाक्य में आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। गर्भ धारण किए हुए बच्चे को वो मार डालने के लिए आया था शैतान, ओके, पुराना अजगर, लेकिन उसने सारा प्रयत्न किया उसके साथ, ठीक है, मार डालने के लिए। लेकिन वो बच्चा जन्म देते ही उस बच्चे को मार डालने के लिए उसने जितना भी प्रयास किया तो उसमें वो बाढ़ आया और बाढ़ ने उसको छुपा दिया, निगल दिया और बचा दिया। ये सारा चीज़ जब आप देखते हैं तो ये वही बाढ़ जो नफिली में जाति तैयार हो गई थी, दानव जाति तैयार हो गई थी, उसके बाद जो बाढ़ शुरू कर दिया था परमेश्वर ने, ये वही के बारे में बताता है। तो बाढ़ के अंदर हर एक गर्भवती स्त्री के अंदर वो देख लिया जा रहा था, बाढ़ के अंदर चेक किया जा रहा था कहीं इसके अंदर जो प्रकार का भविष्यद्वक्ता तो नहीं है, ठीक है, यानी आने वाला समय में जो स्त्री का बीज है इनके अंदर तो नहीं है ना, ऐसा वो चेक किया जा रहा था। देखिए, कुछ कुछ भाषांतर जो है वो आपको भाषांतर करके देने के वक्त में समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आप पवित्र वचन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इस बात को आप प्रकाशित वाक्य में ढूंढ निकालिए, आपको उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा जो बाढ़ और बच्चे के बारे में अभी बताया है।
हम मसीहों के बारे में देखेंगे तो पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर से गवाही देता है और वो बताता है कि हम मसीही हैं। हम खुद अपने बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर की ये बात को बोल कर दिखाता है कि हम मसीही हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। पवित्र आत्मा ही इसे बोल सकता है, हम खुद नहीं बोल सकते इसे। तो इसके लिए हमको जब अन्य भाषा आ जाता है तो ये बात है कि परमेश्वर के संतान की भाषा अन्य भाषा है। आपको समझ में आया? अन्य भाषा कैसे भी हो सकती है, अन्य भाषा ये परमेश्वर के संतानों की भाषा है। आपको समझ में आना चाहिए अन्य भाषा परमेश्वर के संतानों की है। इसके बारे में कोई अजीब सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, या कुछ अटपटा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अन्य भाषा जो है परमेश्वर के संतानों के लिए है। और परमेश्वर के संतान कौन है? परमेश्वर आत्मा है, तो हम आत्मा है, आत्मा की भाषा है ये, ठीक है? तो आत्मा की भाषा आत्मा में समझी जाती है। समझ में आया? तो ये वो भाषा है जो परमेश्वर के संतान, यानी परमेश्वर के संतान कौन है? हम स्वर्गदूत जो परमेश्वर के संतान को हम क्या बोलते हैं? सन्स ऑफ गॉड। तो सन्स ऑफ गॉड परमेश्वर के पुत्र कौन थे? परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे। तो हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं? परमेश्वर के पुत्रों की भाषा बोल रहे हैं, तो स्वर्गदूतों की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन हमारी स्वर्गदूतों की भाषा वो शैतान के स्वर्गदूतों के भाषा से अलग है। समझ में आया? लेकिन क्यों ऐसा अलग है? क्योंकि उनकी भाषा में परमेश्वर ने बिगाड़ दिया है, लेकिन हमारी भाषा परमेश्वर के साथ एक बोली में है, एक भाषा में है, उसमें कोई अंतर नहीं रखा है परमेश्वर ने। अभी खुलम खुला आपको उसके नाम का अर्थ मालूम पड़ा कि जो नफिलिम है, नपीली जाती है, उसका अर्थ क्या है? चलता फिरता मुर्दा, ठीक है? चलता फिरता डेड। इसका मतलब वो पूरी तरह से अपने अंदर से जानकारी रखे हुए है कि मसीह लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं है, और मसीह लोगों के साथ उनका कोई उठना बैठना व्यवहार भी बनेगा नहीं, क्योंकि वो उनके जाति के साथ कुछ करना ही नहीं है उनको। वो तो वॉकिंग डेड है, यानी मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा है वो, ठीक है? तो उसको ज़िंदगी से क्या लेना देना है? जब वो खुद मुर्दा है तो मुर्दे को ज़िंदगी से क्या लेना देना है? मनुष्य को जीवन और मृत्यु है, और मुर्दों को क्या जीवन और मृत्यु है? वो तो पहले से मुर्दे हैं, तो उसको क्या और जीवन और मृत्यु का बाकी है? तो उनको तो पनिशमेंट रखा है, मृत्यु को जो है वो पनिशमेंट रखा है। आखिरी जो नाश किया जाने वाला है वो मृत्यु ही नाश किया जाने वाला है। तो वो नाश के लिए तैयार है, वो आपके लिए तैयार नहीं है, आपके साथ संगति में होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप तो बचाए जाने वाले हैं, आप बचा लिए गए, बचाए जाने वाले हैं, यीशु के आगमन में उठा लिए जाने वाले हैं। तो नपीले लोगों को आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो आपको वो समय भटका देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप यीशु मसीह के पीछे जाने से आप नपीले लोगों के जो चाल चलन है, बिगड़ी हुई चाल चलन, उसके अंदर फंसे रहो, ये काम वो कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ वो कोई भी व्यवहार में उठाए जाएंगे, सुसमाचार में रहेंगे, ये सब बातें आप भूल जाइए, नहीं तो आप लोगों को बोलना शुरू करेंगे कि गोलियात को सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया। ओके, तो जब यीशु मसीह गया था, कब्र में गया था, तो उसने सारे मरे हुए लोगों को सुसमाचार सुनाया था, तो फिर यीशु मसीह ने गोलियात को सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया? ऐसा आप बोलेंगे, नहीं, वो सुसमाचार के लिए नहीं है, वो मृत्यु है, और मृत्यु नाश के लिए रखा गया, नपीली नाश के लिए रखा गया, क्योंकि नपीली नाम का अर्थ ही है मृत्यु, चलता फिरता मृत्यु। परमेश्वर ने दानव जातियों को ना काट दिया है उद्धार में से, उनके लिए नाश रखा है। इसके लिए उनका नाम के हिसाब से आप समझ जाइए, चलता फिरता मृत्यु है, और मृत्यु नाश के लिए रखा गया है, उनके लिए उद्धार नहीं है, उद्धार से उनको काट दिया है। अब जो बबिलोन, ये जो महान ऐसा शहर बोला गया है, जो महान नगर है, वो उजाड़ दिया जाएगा। तो ये बबिलोन शहर जो है, जो प्रकाशित वाक्य में, पवित्र बाइबल में हमने बहुत बार सुना है कि उसे उजाड़ दिया जाएगा, ये बबिलोन शहर है कहाँ पर? तो ये इराक में है। आपको पता है अब्राहम कहाँ से आया? इराक से आया है वो। और इराक कहाँ है पूछेंगे, तो वो सीरिया और टर्की जो है, ये सीमाएं जो इराक की लगी हुई है, इनके सीमाओं से लगा हुआ इराक है। सीरिया और टर्की का 590 किलोमीटर के जो सीमाएं हैं, तो वो सीमाओं से उतनी लंबाई तक इराक है।
तो आपको पता चल गया, अब पिरगमोस जो है वो इराक ये जगह में, यानी जो इराक का बाउंड्री है, ओके, सीमाएं हैं, जो सीरिया और टर्की बना हुआ शहर देश है वहाँ पर, वो जगह में ही आपको पिरगमोस मिलता है, और उस वहीं पर शैतान का सिंहासन लगा हुआ है, और उसी जगह में आपको शैतान का ठिकाना मिलेगा, और वहीं से अब्राहम भी निकला हुआ है। आपको समझ में आया, अब्राहम जो है उसी देश में से बाहर निकला हुआ है। आपको ये बातें बहुत ही गहरी है, आपको ये बातें वहीं पर देखने को मिलेगी। जो अदन बगीचा था वो भी आपको उसी जगह से निकला हुआ मिलेगा। शैतान उसी जगह में अपना सिंहासन लगाया है जहाँ पर अदन बगीचा का जगह था। शैतान ने उसी जगह में अपने आप को रखा है, रहने के लिए स्थान बनाया है जो अदन बगीचा था, और यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर बलिदान होने का था। उस समय भी उसने भी, यीशु मसीह ने भी गतसमनी बगीचे से ही उसके बलिदान के शुरुआत का समय लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इवेंट्स है जो घटनाएं हैं, पहले ही ठहराई गई है। तो आप कभी मत सोचिए कि नपीले लोगों को उद्धार का अवसर रखा गया है, नहीं, उनको ठहराया गया है कि वो मृत्यु के लिए छोड़ दिए गए। इसके लिए वो गदरीन का इंसान जो दुष्टात्मा ग्रस्त था, वो यीशु मसीह को बोलता है, तो इतनी जल्दी हमको सताने को क्यों आया? क्योंकि उसको पता है कि यीशु मसीह का सताने के लिए आने वाला का समय जो रहेगा, वो जब कलसिया उठा ली जाएगी यीशु मसीह के साथ, उसके बाद वाला जो समय रहेगा वो सताव का समय रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए वो सोच रहे हैं कि इस प्रकार से समय के पहले ही ये क्यों आ गया, हमको सताने के लिए आया है क्या? तो आपको ये बातें समझ में आना चाहिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो लिखा हुआ अवस्था के पूरे होने का काम चल रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी तक बाइबल में सब कुछ में यही देखोगे, यीशु मसीह के पीछे चलो, उद्धार में रहो और उद्धार को गवाओ मत। ठीक है, यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाओ, यीशु मसीह के आगमन के इंतज़ार में रहो। ये एक टारगेट पॉइंट आपको पवित्र बाइबल में देखने को मिलेगा। आपको इसके अंदर से बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ जो दिया है वो उद्धार में बने रहने के लिए ही लिखा हुआ दिया है। वहाँ पे जो यूफ्रेट नदी है, वो नदी के अंदर, इफ्रातोस नदी बोलते हैं उसे हिंदी में, तो वो नदी के अंदर दुष्ट आत्माओं को, जो स्वर्गदूत थे, ठीक है, जिन्होंने ऐसे घिनौने काम किए थे मनुष्यों के पुत्रियों को जिसने विवाह कर लिया था, ऐसे स्वर्गदूतों को बांध दिया है और उसी नदी के अंदर उनको डालकर बांध दिया है, उस नदी के अंदर उसको फेंक दिया है, उस झील के अंदर उनको फेंक दिया गया है और उसके नीचे उनको बांध दिया गया है। देखिए, अभी वहाँ के जो लोग रह रहे हैं वो लोग तो अभी अभी आए हैं वहाँ पर, लेकिन ये सारी बातें उन लोगों के रहने वाले लोग हैं वहाँ पर, उनसे भी काफ़ी साल पहले से ये बातें वहाँ पर हो रही है, और लोग जो अभी रह रहे हैं वो तो अभी आए हुए लोग हैं, उनके साथ उनका कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन ये घटनाएं शैतान की ओर से उस जगह के ऊपर किए जा रहे हैं, इसके बारे में वो लोग वाकिफ नहीं हैं। ये परमेश्वर की योजना को और शैतान जो उसके बीज जो बनाया जा रहा है, उसके दानव जाति को संभाल रहा है, ये सब उसकी तरफ से किया जा रहा है, उसकी तरफ से वो ज़मीन को रखा है, उसकी तरफ से वो वहाँ पर दानव जातियों को तैयार रख रहा है, उसकी तरफ से वो पिरगमोस की कलसिया के बारे में यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में बताता है, और परमेश्वर की तरफ से वहाँ पर अदन बगीचा भी रह रहा था। ये सारी चीज़ें परमेश्वर और शैतान के बीच में युद्ध है, वो जगह में लोग तो अभी आए हैं रहने के लिए, तो लोग जो इतने हजारों साल के बाद में अभी हमको मालूम पड़ता है कि उस जगह में कौन लोग रह रहे हैं, लेकिन वो लोग जो रह रहे उस प्रकार के धर्म या जाति के कुछ भी वहाँ पर नहीं था पहले, वो सिर्फ और सिर्फ शैतान के लिए, शैतान और परमेश्वर के बीच में जो चल रहा है वो ही बातें आपको उस ज़मीन के ऊपर पवित्र बाइबल में लिखी हुई मिलेगी।